झारखंड में चुनावी रणभेरी बज चुकी है और इसी के साथ ही झारखंड में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने प्रचार प्रसार में जुट गई हैं। लेकिन इस सियासी भिड़ंत में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस बार झारखंड में कुर्मी मतदाताओं का रुख क्या होगा। आपको बता दें कि झारखंड के 5 लोकसभा सीट ऐसे हैं जहां कुर्मी मतदाताओं के हाथ हार और जीत की चाबी होती है। ऐसे में यह सवाल खड़ा होना स्वाभाविक है कि कुर्मी मतदाता इस बार के चुनाव में किसे अपना वोट डालेंगे। आपको बता दें कि एक दावे के अनुसार झारखंड में कुर्मी मतदाताओं की संख्या करीब 16% है और आबादी करीब 56 लाख की है। हालांकि यह कोई प्रामाणिक आंकड़ा नहीं है। कई कुर्मी नेता के द्वारा झारखंड में कुर्मियों की आबादी 20-25% बताई जाती है। कुर्मी मतदाता कभी भाजपा तो कभी झामुमो के साथ खड़े होते हैं। यदि वर्ष 2019 की बात करें तो कुर्मी मतदाताओं का बहुसंख्यक वोट भाजपा और आजसू के पास गया था, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ दूसरी बनती दिख रही है और इसका कारण है कुर्मी जाति के द्वारा अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा सिरे से खारिज करना। दावा किया जा रहा है कि कुर्मी मतदाताओं के बीच इस बार नाराजगी है और इसका असर चुनावी परिणाम में देखने को मिल सकता है। तो आपको बता दें कि झारखंड के कुल 14 लोकसभा सीट ऐसे हैं जिनमें कुर्मियों की बहुसंख्या ज्यादा है, जिसमें रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, गिरिडीह और धनबाद शामिल है। रांची में 17%, हजारीबाग में 15, जमशेदपुर में 11, गिरिडीह में 19 और धनबाद में 14% कुर्मी मतदाताओं की संख्या है। इसके साथ ही दूसरे लोकसभा क्षेत्रों में भी कुर्मी मतदाताओं का अच्छा खासा सियासी दखल है। इसका एक उदाहरण चाईबासा लोकसभा की सीट है। यह सीट भले ही अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो, लेकिन यहाँ हार और जीत की चाबी हमेशा से कुर्मी मतदाताओं के हाथ में रहती है। इस हालात में सवाल खड़ा होता है कि कुर्मियों की कथित नाराजगी में कुर्मी बहुल रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, गिरिडीह और धनबाद में इस बार सियासी समीकरण क्या होने वाला है। क्या एक बार फिर से कुर्मी मतदाताओं का बहुसंख्यक हिस्सा भाजपा और आजसू के साथ खड़ी होगी, या नाराजगी का असर लोकसभा की इन सीटों पर देखने को मिलेगा। सवाल यह भी है कि जिस तरीके से केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कुर्मियों की इस मांग को खारिज कर सियासी जोखिम लिया है, क्या इसका असर खूंटी लोकसभा सीट में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि भले ही खूंटी में अनुसूचित जाति की आबादी करीब 59% हो, लेकिन इसके साथ ही कुर्मी मतदाताओं की भी एक बड़ी संख्या निवास करती है। इस प्रकार यदि हम समझने की कोशिश करें तो कुल 7 लोकसभा की सीटों पर इस बार कुर्मी सियासी दलों का भविष्य लिखने जा रहे हैं। दरअसल कुर्मियों की नाराजगी का एक और बड़ा कारण उनकी आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व का अभाव है। अमूमन सियासी दलों के द्वारा प्रतिनिधित्व के मामले में कुर्मियों की अपेक्षा की जाती है, जबकि दूसरे कई सामाजिक समूह जिनकी आबादी कुछ खास नहीं है बाजी मार जाते हैं। कुर्मी मतदाताओं का मानना है कि सियासी दलों में उनके वोट को लेकर मारामारी तो खूब रहती है, लेकिन जब टिकट वितरण की बात आती है तो हम किसी कोने में खड़े नजर आते हैं। वर्ष 2019 में भी यही स्थिति थी। 25% की आबादी के बावजूद हमारे सिर्फ 2 सांसद लोकसभा तक पहुंचे थे, जबकि जिनकी आबादी 2-3% भी नहीं है उनके हिस्से कई अधिक सीट थी। और यदि हम वर्तमान टिकट वितरण की बात करें तो इस बार भी भाजपा ने महज 1 कुर्मी विद्युत वरण महतो को जमशेदपुर से उम्मीदवार बनाया है। वहीं आजसू ने गिरिडीह से चंद्रप्रकाश चौधरी को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस की ओर से घोषित अब तक 3 प्रत्याशियों में जेपी पटेल को टिकट मिला है। वहीं झामुमो ने गिरिडीह से मथुरा महतो को मैदान में उतारा है। इस हालात में एनडीए खेमा अपने पुराने समीकरण के साथ ही खड़ी है, यानी कुर्मियों की तुलना में उसने वैश्यों को कहीं अधिक प्राथमिकता प्रदान किया है। अब देखना होगा कि इंडिया गठबंधन की जब पूरी सूची जारी होती है तो उसकी तस्वीर क्या होती है। हालांकि अब तक की जानकारी के अनुसार झामुमो जमशेदपुर से स्नेहा महतो को मैदान में उतारने जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि रांची और धनबाद की तस्वीर क्या होगी। हालांकि बीच बीच में रांची से राम टहल चौधरी का नाम सामने आता है, लेकिन दावा किया जाता है कि सुबोध कांत सहाय अभी भी मैदान छोड़ने को तैयार नहीं है। इस हालात में बड़ा सवाल यह है कि रांची लोकसभा की 17% कुर्मी आबादी सुबोध कांत सहाय के साथ खड़ी होगी, क्योंकि हार जीत का आखिरी फैसला इन्हीं के हाथों होना है। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही।
ऐसे ही तमाम खबरें हम आपके बीच लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज़ पोस्ट।